अब खबरें विस्तार से। एनआईटी हमीरपुर में 17 जून को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह के दौरान छात्रों ने हिमाचली परिधान में डिग्रियां हासिल की। समारोह में एनआईटी से साल 2014 से 2017 तक के पास आउट छात्रों ने हिस्सा लिया और समारोह में 2715 उपाधियां प्रदान की गई। एनआईटी हमीरपुर में 17 जून को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह के दौरान छात्रों ने हिमाचली परिधान में डिग्रियां हासिल की। समारोह में एनआईटी से साल 2014 से 2017 तक के पास आउट छात्रों ने हिस्सा लिया और समारोह में 2715 उपाधियां प्रदान की गई। एनआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद यादव ने बताया कि समारोह में 2715 उपाधियां प्रदान की, जिसमें 84 पीएचडी, 723 स्नातकोत्तर और 1908 स्नातक की डिग्रियां दी गई। उन्होंने बताया कि डिग्रियां लेने वाले छात्र छात्राओं को कुर्ता पजामा पहनाकर डिग्रियां दी गई। इसमें टोटल जो है 2715 उपाधियां दी गई हैं, जिसमें 1908 तो अंडर ग्रेजुएट के हैं, बीटेक और बीआर के, 723 मास्टर पीजी के हैं, एमआर, एमबीए और एमएससी के छात्र हैं और 84 पीएचडी डिग्री। यहाँ पे उपस्थित होने वाले कुल छात्र जो हैं 481 हैं, बाकी को इन एब्सेंसिया डिग्री। तो समारोह के यहाँ आज चीफ गेस्ट कौन थे सर? इस समारोह के चीफ गेस्ट प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर आईआईटी रुड़की। आईटीआई रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने एनआईटी के अध्यापकों व छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें यहां पर आकर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि एनआईटी हमीरपुर बहुत ऊंचाइयों पर है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी एनआईटी हमीरपुर दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा और सफलता की ओर अग्रसर होगा। एनआईटी हमीरपुर में और मुझे आके बहुत अच्छा लगा है कि संस्थान जो है काफ़ी प्रगति कर रहा है और काफ़ी ऊंचाइयां छू चुका है और एस्पायर करता है और अच्छा करने के लिए। फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ, डायरेक्टर खुद काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है और एनआईटी हमीरपुर का भविष्य जो है बिल्कुल और बेहतर होगा इस मुझे। Thereby pledge that it shall be my constant endeavor to be scrupulously honest as engineer, architect, scientist, and professional, to uphold the dignity of the individual and the integrity of the profession, to utilize my knowledge of technology, science, and profession for the glory of the institute, in the service of the country and mankind at the large. Punjab, Sindh, Gujarat.